हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाएं बेटे सभी लोग, सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली इडियम की तरफ। 121 पे लिखा हुआ है आपके सामने कैरी आउट। अब कैरी आउट एक फ्रेज होती है और कैरी आउट के जैसे मैं आपको तीन फ्रेजेस और भी याद कराऊंगा, तो आप एक साथ याद करने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। एक्ट अपॉन, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, और एक और होती है आपकी कैरी आउट। याद रखना चार हैं, तीन बार मेरे साथ बोलेंगे। कौन कौन सी? एक्ट अपॉन, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, कैरी आउट। एक्ट अपॉन, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, कैरी आउट। एक्ट अपॉन, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, कैरी आउट। तीनों का, चारों का एक ही मतलब है, किसी के ऑर्डर को फॉलो करना या किसी काम को कंप्लीट करना या अंजाम देना। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैरी आउट करना। कैरी आउट का मतलब है किसी ऑर्डर को आपने क्या किया है, आगे किया है, आपने उस चीज़ को फॉलो किया है, कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा कंप्लीट समथिंग। क्लियर हुई बात? अरे बोलो हाँ। आगे बढ़ जाए, चारों याद रखना, एक बार फिर से मैं याद करवा रहा हूं। एक्ट अपॉन, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, कैरी आउट। किसी के ऑर्डर को फॉलो करना या किसी काम को कंप्लीट करना या अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है तृप्ति गेव हर रिपोर्ट कोटिंग चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत छोटी छोटी बारीक बात भी बताते हैं। जैसे मान लो आप कहीं पर गए और कहीं पर कुछ कोई चीज़ हुई, कोई घटना हुई वहाँ पर, तो आप जब वापस आए तो आपके पेरेंट्स ने पूछा, तो आपने उस घटना को ब्रीफली बता दिया, तो आपके पापा ने कहा नहीं, आप मुझे चैप्टर एंड वर्स बताइए। चैप्टर एंड वर्स का मतलब है मुझे डिटेल में बताइए, हर एक छोटी से छोटी बात बताइए। जैसे पुलिस वाले जब कोई भी चीज़ एग्जामिनेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, छोटी से छोटी बात पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं चैप्टर एंड वर्स। क्या बोलते हैं? चैप्टर एंड वर्स। तो सही जवाब जो यहां पर होना चाहिए था वो होगा प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स। माइन्यूट का मतलब छोटी से छोटी, प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स मतलब छोटी से छोटी डिटेल को देना, उसे क्या बोला जाता है भाई? चैप्टर एंड वर्स। क्या बोलेंगे? चैप्टर एंड वर्स। क्या बोलेंगे? चैप्टर एंड वर्स। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है द यंग पीपल इन द हॉल गेव अ लाउड चीयर टू द ओल्डर पीपल हु वर कटिंग द रग। हु वर कटिंग द रग। देखो ये बहुत पुरानी इडियम कह सकते हो आप है, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। कटिंग द रग का क्या मतलब होता है? कटिंग द रग का मतलब होता है, जैसे सीधी भाषा में आपको मैं बताऊं तो जैसे कि जैसे गाने पे जो ऐसा डांस करना, बढ़िया डांस करना, मतलब डांस से सबको जबरदस्त तरीके का जो डांस होता है उसे बोलते हैं कटिंग द रग। मतलब जैसे बागड़ी में कहते हैं ना गजबन पानी ने चाली, ठीक है, तो उस टाइप का जो डांस है कि बहुत ही बढ़िया डांस जो होता है उसको बोला जाता है कटिंग द रग। कटिंग द रग मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से या वाइगर होकर नाचना, एनर्जी से नाचना बहुत ज़्यादा, तो उसको बोला जाता है कटिंग द रग। क्या बोलेंगे? कटिंग द रग या कट द रग, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कट द रग या कटिंग द रग, जो भी है, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म होती है, कट कट कट, ठीक है। तो क्योंकि वर लगा हुआ है तो वर के साथ आईएनजी फॉर्म आते हैं, इसलिए वो कटिंग हो गया। कटिंग द रग मतलब डांसिंग वाइगरसली, मतलब बहुत ही सुपर डांस। बिल्कुल सही बात बोला है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। अच्छा, अब इसको पढ़ने समझ में आ रहा है कि कोई आदमी कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट है, इसका मतलब उसको रात में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो रात को काम करने के लिए भी क्या है, तैयार है, तो उसे क्या बोलते हैं? कूल अबाउट वर्किंग। क्या बोलते हैं? कूल अबाउट वर्किंग, यानी किसी काम को करने के लिए क्या होना, तैयार होना। क्या होना? तैयार होना, उसे बोलते हैं कूल अबाउट वर्किंग। क्या बोलेंगे? कूल अबाउट वर्किंग। तो यहां पर सही जवाब बनेगा कौन सा? 124 का। 124 का सही आंसर बनेगा रेडी टू वर्क। बहुत सारे लोग एक्साइटेड लगा देंगे, अरे एक्साइटेड थोड़ी है वो, काम करने के लिए तैयार है ना, पैसा मिल रहा है तो काम कर लेगा। एक्साइटेड वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पे ग्रजनिंगली वाली कोई बात है, ठीक है। तो रेडी टू वर्क, तो कूल अबाउट वर्किंग का यही मतलब होता है कि जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार हैं तो उसे बोलते हैं कूल अबाउट वर्क या कूल अबाउट वर्किंग। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थ्रू द रिपोर्टर्स एफर्ट्स, रिपोर्टर के प्रयासों से मैनी अननोन फैक्ट्स हैव कम टू लाइट। अब कम टू लाइट, भाई रिपोर्टर ने कुछ ऐसे प्रयास किए कि कुछ ऐसे तथ्य थे जो किसी को पता नहीं थे, वो कम टू लाइट हो गए। अब कम टू लाइट का मतलब क्या है, वो रिवील हो गए, वो उजागर हो गए, वो सबके सामने आ गए। तो क्या मतलब होता है कम टू लाइट का? कम टू लाइट का यही मतलब होता है कि जब कोई चीज सबके सामने आ जाती है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, कम टू लाइट। क्या बोला जाता है, कम टू लाइट। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो कम टू लाइट का यही मतलब होता है बीन रिवील्ड। रिवील का मतलब है उजागर करना, सबके सामने ले आना किसी चीज को, उसको बोलते हैं रिवील। और इसीलिए जब स्कूल में आप पढ़ते थे तो जब नंबर कम आते थे तो आप रिवेलेशन फॉर्म भरते थे। रिवेलेशन फॉर्म का मतलब खुलासा करो कि मेरे नंबर कम क्यों आए हैं, वापस से आप उसमें क्या करो, मार्किंग चेक करो, तो उसको बोलते थे रिवेलेशन फॉर्म बोलते थे। तो वो जो रिवेलेशन है वो रिवील से ही बना है। रिवील का मतलब होता है सबके सामने किसी चीज को लेकर आना। ठीक है, 126 पे देखिए, कहता द प्रिंसिपल कॉल्ड द लेट कमर्स टू हर रूम, जो लेट आते हैं उनको अपने रूम में बुलाया, एंड डिलीवर्ड ए कर्टेन लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लेट आवर्स। कर्टेन लेक्चर का क्या मतलब है? कर्टेन लेक्चर का यही तो मतलब है ना कि किसी को आपने क्या किया, प्राइवेट में ले जाकर अच्छे से डांट भी लगाई और समझाया कि भाई आगे से आप क्या करें ना, थोड़ा सा ध्यान रखना चीज़ों के बारे में। तो उसे क्या बोलेंगे, कर्टेन लेक्चर। क्या बोलेंगे, कर्टेन लेक्चर। क्या बोलेंगे, कर्टेन लेक्चर। तो यहाँ पर क्या आंसर लगाओगे? देखो, ड्रामेटिक लेक्चर तो नहीं हो सकता, ब्रीफ लेक्चर भी नहीं हो सकता, टॉक बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे भी नहीं हो सकता। क्या बनेगा, कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, है ना, जब प्राइवेट में अलग से ले जाकर आपने अच्छे से डांट भी लगाई हो और समझाने की कोशिश की हो, आपने कहा सतर्क रहना। कॉशनरी का मतलब क्या, सतर्कता से काम करना आगे से, तो उसे बोला जाता है कर्टेन लेक्चर। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई बात। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है साहब, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ही मूसलाधार बारिश होना, उसे बोलते हैं कैट्स एंड डॉग। तो देखो, हैवीली तो नहीं हो सकता, ड्रिजलिंग भी नहीं हो सकता। ड्रिजलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे हल्की बारिश, और स्कैटर भी होता है छिटपुट होकर करना, है ना। कौन सा बनाओगे? अच्छा, हैवीली ही बनेगा यहाँ पे तो, है ना, हैवीली ही बनेगा। सॉरी, माफी चाहूंगा, ये हैवीली ही इसका आंसर बनेगा। कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना। तो हैवीली इसका सही जवाब बनेगा। माफ कर दीजिएगा, फांसी पे मत लटका दीजिएगा। ठीक है, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो गया बहुत मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ, ही चिकन्ड आउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड ऑपोजिशन। जब कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, जब उसने सामना किया अपने पोजीशन का तो वो चिकन आउट हो गया। चिकन आउट का मतलब, चिकन आउट, चिकन मुर्गी को बोलते हैं। चिकन आउट का मतलब वो डर गया बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, डर गया। और डर गया या फिर उसने क्या किया, पीछे हट गया। वो क्या हो गया, पीछे हट गया, तो उसको बोलते हैं चिकन आउट। भाई कायर आदमी पीछे हट जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, चिकन आउट। चिकन आउट का मतलब पीछे हट जाना, है ना, या डर जाना भी कई बार मतलब होता है इसका। तो यहाँ पर देखो कितना आसान है, एट चिकन तो हो नहीं सकता, हैच चिकन, हैच एग्स, अंडे देना भी नहीं हो सकता, रिलीज चिकन ये भी नहीं हो सकता, विड्रू, विड्रो का मतलब पीछे हट जाना। तो चिकन आउट का मतलब होता है कि पीछे हटना, विड्रो कर लेना, अपने स्टेप से पीछे आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब बम फटना। अब बम फटने के बाद पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, तो पुलिस क्या करती है, देखा होगा आपने जब भी कहीं पर कोई भी क्राइम हो जाता है तो पुलिस वहां पर आकर क्या करती है, वो येलो कलर का स्ट्रिप लगा देती है चारों तरफ, है ना, तो उसको बोलते हैं कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है कि जब आप किसी जगह को पूरी तरह से आइसोलेट कर देते हैं, अलग। आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग थलग कर देते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सबसे अलग कर देते हैं, कोई वहां पर एंट्री नहीं कर सकता, तो उसे बोला जाता है कॉर्डन ऑफ। क्या बोला जाता है, कॉर्डन ऑफ। याद रखना भाई, बहुत पॉपुलर फ्रेज आप इसको कह सकते हो। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है कि जब आप किसी जगह को पूरी तरह से अलग कर देते हो, कोई वहां पर एंट्री नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही जवाब आ रहा है, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल अलग कर देना। ठीक है, आगे चलो, आइसोलेशन तो रट ही गया, बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची कि भाई आइसोलेशन तो इन दिनों काफ़ी पढ़ा है अपन ने, इस पूरे साल आइसोलेशन ही तो पढ़ा है हमने। नेक्स्ट दे रखा है ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। डॉक्टर से मिलने से पहले अपने उसे अपने हील्स को कूल करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, साफ पता लग रहा है कि उसे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हील्स तो आप जानते ही हो, है ना, तो कूल इस हील्स का क्या मतलब होता है, जब आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है भाई, इंतज़ार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं कूल हिज हील्स। क्या बोलते हैं, कूल हिज हील्स। क्या बोलते हैं, कूल हिज हील्स। ठीक है, तो ये आसान है बिल्कुल और आपने सही जवाब दिया है बिल्कुल। 3 नंबर, टू बी केप्ट वेटिंग, इंतज़ार करना। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही कट द गॉर्डियन नॉट, he cut the Gordian knot by practicing what he preached। प्रीच का मतलब था सीखना, जो उसको उपदेश दिया गया था उसकी प्रैक्टिस करते करते उसने Gordian knot को कट कर दिया। Gordian knot को कट करने का मतलब है कि कोई भी बहुत डिफिकल्ट काम था उसको आपने क्या कर दिया, बहुत ही सही तरीके से कर दिया, तो उसे बोलते हैं, उसको आपने आसानी से कर दिया तो उसे बोलते हैं कट द Gordian knot। क्या बोलते हैं, कट द Gordian knot, यानी किसी डिफ़िकल्टी को आपने ख़त्म कर दिया, हटा दिया। जैसे आपने स्कूल में जब अपने पढ़ते तो अपने को एक पढ़ाई जाती थी इडियम, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, है ना, कि मतलब जो मुश्किल चीज़ थी उसको आपने हटा दिया पूरी तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कट द Gordian knot। कट द Gordian knot यानी रिमूव्ड द डिफिकल्टी। ये 3 नंबर इसका सही जवाब बनेगा। 2 नंबर कैसे बनेगा, लेट द डिफिकल्टी रिमेन एज इट वाज। इसका मतलब तो होगा कि डिफिकल्टी को रहने दो, ये तो गलत है। नहीं, रिमूव द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को खत्म ही कर देना, परेशानी को पूरी तरह से उखाड़ देना, वो होता है कट द Gordian knot। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है विद माई लिमिटेड मीन्स, मीन्स का मतलब मेरे थोड़े बहुत साधन है मेरे पास, टू थिंक ऑफ बाइंग अ हाउस इन मुंबई, और मुंबई में घर खरीदना, इज क्राइंग फॉर द मून। क्राइंग फॉर द मून का मतलब क्या है भाई, किसी आदमी के पास लिमिटेड पैसा है और वो अगर मुंबई में घर खरीदना चाहता है तो ये क्राइंग फॉर द मून बात हुई। क्राइंग फॉर द मून का मतलब कुछ ऐसी चीज़ को खरीदने की कोशिश करना जिसको आप नहीं खरीद सकते, है ना, किसी, हाँ बिल्कुल, विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कोई चीज़, ऐसी चीज़ के लिए विश करना जिसको आप बिल्कुल खरीद नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्राइंग फॉर द मून। क्या बोलेंगे, क्राइंग फॉर द मून। क्या बोलेंगे, क्राइंग फॉर द मून। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। अच्छा ये बताओ, चाय पीकर आए हो या अभी क्लास खत्म होने के बाद पियोगे? तो चलो क्लास खत्म होने के बाद पी लेना, मैं पी लेता हूँ चाय। ठीक है, बीच में चुस्कियों की आवाज़ आए चाय की तो घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वैसा भी मुझे लग रहा है आज चाय बहुत अच्छी बनी है, सुबह से खाना भी नहीं खाया आज। आगे चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ, मैंने लास्ट में क्लास में भी ये बताया था, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, है ना। अब तुम सोच के बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। कम टू ग्रीफ तुमको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से जवाब दे दो मुझे। कम टू ग्रीफ का क्या मतलब हो गया, हाँ सफ़र करना। भाई बिल्कुल सही बात जवाब दिया है, सबसे पहले JM सैनी जी ने, फिर नीतू यादव, अभिजीत सिंह, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं। जेलस फील मत करो भाई, पिला देंगे तुमको भी कभी चाहे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तुमको पिला देंगे। सफ़र करना, सफ़र मतलब दुख महसूस करना, तो सफरिंग यही होती है। सफरिंग का मतलब अपने कोई बुरी चीज़ से ग्रसित है उस वक्त उसे हम सफ़र करते हैं, तो उसे बोलते हैं कम टू ग्रीफ। ठीक है, आगे बढ़ो। कोल्ड कंफर्ट, बहुत ही बढ़िया इडियम, इस बार एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं इसके। कोल्ड कंफर्ट का क्या मतलब होता है, देखो कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि किसी आदमी से, मान लो आपने कोई आपने हेल्प मांगी, तो किसी आदमी से जब आपने हेल्प मांगी तो उसने क्या किया, आपकी पूरी मदद तो नहीं की पर आपको ये बता दिया कि मैं नहीं मदद कर सकता, कोई और आदमी बता दिया कि ये आदमी तेरी मदद कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। क्या बोलते हैं, कोल्ड कंफर्ट, यानी या तो थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल जाती है ना जब जिससे आपको बात करने में, उसे बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। क्या बोलते हैं, कोल्ड कंफर्ट। जैसे मान लो आप मेरे पास आए, आपने बोला सर आप चाय पी रहे हो, मुझे भी चाय पिला दो, तो मैंने कहा देखो चाय तो मैं नहीं पिलाऊंगा पर मैं चाय की दुकान बता देता हूँ चाय मिलती कहाँ है, तो आप जाके वहाँ से खरीद लो, है ना, तो इसको बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। क्या बोलते हैं? कोल्ड कंफर्ट। तो बिल्कुल सही जवाब आया स्लाइट सेटिस्फेक्शन। क्या बनेगा? स्लाइट सेटिस्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम रहेगी कोल्ड कंफर्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट लिखा है द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। क्लोज द बुक। अब क्लोज द बुक का क्या मतलब हो सकता है, सोच के बताओ। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जब अपने पुलिस क्या करती है, किसी पर केस पर काम करना बंद कर देती है, तभी तो उस केस को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। क्लोज करने का क्या मतलब है कि किसी काम को क्या कर दिया गया है भाई, उस पर काम करना बंद कर दिया गया है ना। तो सही जवाब क्या बनेगा? स्टॉप्ड वर्किंग ऑन। क्या बनेगा? स्टॉप वर्किंग ऑन, यानी किसी चीज के ऊपर काम करना बंद कर देना, उसे बोला जाता है क्लोज द बुक। क्या बोलेंगे? क्लोज द बुक। क्या बोलेंगे? क्लोज द बुक। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात। आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखा हुआ है हिज आर्ग्यूमेंट्स, उसने जो भी आर्ग्यूमेंट्स मेरे साथ किए। कट नो आइस विद मी। अब इसका क्या मतलब होता है कट नो आइस? कट नो आइस का मतलब है कि आपके आर्ग्यूमेंट का, आपकी चीजों का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसे बोला जाता है कट नो आइस, यानी कोई भी प्रभाव ना पड़ना, उसे क्या बोलेंगे? कट नो आइस। क्या बोलेंगे? कट नो आइस। तो उसे बोला जाएगा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। तो बिल्कुल सही जवाब बनेगा हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन हिम। इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है प्रभाव, है ना। जैसे हम लोग बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव में आ जाना, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत मेहनती बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की ईश्वर हमेशा मदद करते हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आगे चलिए 137 पर दे रखा है द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड्स। डिविडेंड का मतलब होता है लाभ टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बचपन में भी पढ़ी होगी आपने, जल्दी से बताओ। राशिद मलिक, है ना। राशिद मलिक काफी दिनों बाद दिखा है मुझे। हाँ बेटा देखो क्या होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। हाँ तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अब मैं समझा देता हूँ। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक गधा होता है, वो बड़ा आलसी होता है, कोई काम नहीं करता, तो उसका मालिक क्या करता है, उसके गले में एक, उसके सामने एक गाजर लटकाकर क्या करता है, आगे आगे चलता है उसके, और उसको, और गाजर के लिए वो क्या करता है, कैरेट के लिए वो भी उसके पीछे चलता है। तो इस बहाने क्या हो जाता है, काम भी हो जाता है और बीच बीच में उसको गाजर खिलाता रहता है, और अगर वो नहीं चलता तो वो उसकी पिटाई करता है। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यही मतलब होता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको आपका नाम दिया जाएगा, पर अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उसे बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। आगे चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है द टू फार्मर्स फेमस राइटर्स क्रॉस स्वॉर्ड्स विद ईच अदर ऑन एवरी इशू। क्रॉस स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स क्या होती हैं? स्वॉर्ड्स तो तलवारें होती हैं। अब देखो तलवार अगर किसी के साथ क्रॉस में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि दोनों अपनी, दोनों एक दूसरे की बात से कभी सहमत नहीं होते, यही तो मतलब है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्रॉस वर्ड्स। क्या बोलेंगे? क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स का मतलब जब कोई, दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करते, तो उसे बोला जाता है क्रॉस वर्ड्स। क्या बोलेंगे? क्रॉस वर्ड्स। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात। तो सही जवाब मिलेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 डिसएग्री। बिल्कुल ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट लिखा हुआ है हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग। शिलिंग होता है पैसा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बिना पैसे दिए घर से बाहर निकाल दिया, यानी कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग का मतलब होता है जब आप किसी को जायदाद से बेदखल कर देते हैं, है ना, बेदखल कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग, यानी मतलब ये हुआ कि जब आपने किसी को बेदखल कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, उसे बोला जाता है कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग। तो क्या आंसर बनेगा भाई? ये बनेगा 1 नंबर डिसइनहेरिटेड हिम, है ना, मतलब बिल्कुल अलग कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, जाओ नेक्स्ट लिखा हुआ है Even though the new clerk was given a difficult task, he remained cool as cucumber. कि जो नया क्लर्क आया था उसको बढ़िया क्या दिया गया, काम दिया गया और मुश्किल काम दिया गया, पर फिर भी वो क्या है, cool as cucumber है। cool as cucumber क्या होता है? cucumber क्या होती है? चंदन होता है ना, चंदन है ना, कहते हैं ना माथे पे चंदन लगाना चाहिए, यानी शांत रहना चाहिए। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, बड़े शांत रहते हैं, वो कूल एज कुकुम्बर हैं। तो कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है जब आदमी बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता, इमोशनल नहीं होता, बिल्कुल शांत रहता है, अपने आप को बताता नहीं है, तो उसे बोला जाता है कूल एज कुकुम्बर। क्या बोलेंगे? कूल एज कुकुम्बर। क्या बोलेंगे? कूल एज कुकुम्बर। क्लियर हुई बात? तो सही जवाब होगा नॉट नर्वस और इमोशनल। बहुत सारे लोगों ने हैप्पी लगा दिया होगा इसका आंसर। भावना में बह जाते हैं बस, पता नहीं भावनाएं क्यों है इतनी, भावनाओं के चक्कर में जीवन बर्बाद कर लेते हैं हम लोग, है ना। दिल कहता है ये करना चाहिए, दिल कहता है वो करना चाहिए, अरे दिल की मत सुनो तुम, दिल बेईमान है भाई। इस दिल ने, याद करो, तुम्हें बहुत कुछ लाइफ में कहा था कि ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, और जब जब तुमने इसकी सुनी है, ओहो हो, कुछ भी तुम्हारी नहीं सुनी किसी ने, है ना। तो भाई दिल की कम सुना करो और चीजों को ध्यान से अटेम्प्ट किया करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका। करिंग फेवर क्या होता है? मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि अगर मान लो अपने किसी से काम है तो कड़ी एक क्या होती है, वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है ना, कड़ी, कड़ी की सब्जी बनाते हैं अपने। तो कड़ी, आप राजस्थान में तो कड़ी तो सब लोगों ने खाई होगी, काफी लोगों ने। तो करी फेवर का मतलब होता है जब हम किसी की चापलूसी करते हैं, जब किसी की क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, तो उसको बोला जाता है करिंग फेवर। क्या बोला जाता है? करिंग फेवर। क्या बोलते हैं? करिंग फेवर। तो करिंग फेवर का मतलब होता है चापलूसी करना, तो प्लीजिंग नहीं होगा, फेवरिंग नहीं होगा, ऑब्लाइजिंग नहीं होगा, बनेगा इनग्रेटिएटिंग इटसेल्फ विद। कि इनग्रेटिएट का मतलब है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर चले जाएं कि हाँ भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, आप उसके हिसाब से सारा काम कर रहे हो ताकि आप उसके क्या बनो, फेवरेट बने रहो, तो उसे बोला जाता है करी फेवर। तो सीरिया क्या कर रहा है, अमेरिका को करी फेवर कर रहा है, मतलब चापलूसी कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं करी फेवर। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है द मैन चेंज्ड कलर्स व्हेन आई क्वेश्चनड हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। कि एलोकेशन का मतलब था आवंटन, कि जब मैंने उससे पूछा कि भाई फंड्स का आवंटन क्यों नहीं किया तो उसके रंग बदल गए। रंग बदल गए का क्या मतलब है? रंग बदल गए अपने बोलते ना, मैंने जैसे अपने कई बार बोलते ना कि मैंने उससे सवाल पूछे दो सख्ती से तो उसका वो पीला पड़ गया, आपने ऐसे बोल देते ना कई बार, पीला पड़ गया। तो पीला पड़ गया मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया, नर्वस हो गया, है ना, तो उसे बोलते हैं चेंज कलर्स। क्या बोलेंगे? चेंज कलर्स। तो देखो हैप्पी तो वो नहीं हुआ, ना ही वो नम्ड हुआ, सुन्न भी नहीं हुआ, मोटिवेट भी नहीं हुआ, वो तो क्या हुआ, टर्न्ड पेल। टर्न्ड पेल का मतलब यही होता है कि वो पीला पड़ गया एकदम से, उसके हक्का बक्का रह गया, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या जवाब दूं, क्या नहीं दूं, तो उसे बोला जाता है चेंज्ड कलर्स। क्या बोला जाता है? चेंज्ड कलर्स। क्लियर हुई बात? अरे बोलो हाँ। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रॉ अ ब्लैंक। बहुत नई और बढ़िया इडियम आप कह सकते हो ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का क्या मतलब होता है? ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है, जैसे जब आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो आप ये कह सकते हो जब आपको कोई भी फेवर नहीं मिलता, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता, कोई भी मदद नहीं मिलती, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉ अ ब्लैंक। कि आपने जो भी किया, जो भी किया, मुकेश थैंक यू सो मच, चलिए, आपने जो भी किया उसका, उससे आपको किसी ने आपकी मदद नहीं की, किसी ने आपकी साइड नहीं ली, किसी ने आपको फेवर नहीं किया, तो उसे बोलते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक। क्या बोलते हैं भाई? ड्रॉ अ ब्लैंक। क्या बोलेंगे? ड्रॉ अ ब्लैंक। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर 2, फाइंड नो फेवर। क्या बनेगा? फाइंड नो फेवर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आगे बढ़ जाएं। चलो भाई, नेक्स्ट दे रखा है 144 पे, ड्रैग वंस फीट। फीट तो पैर होते हैं, ड्रैग वंस फीट क्या मतलब हो सकता है इसका? सोच के बताओ। ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या है? जैसे आप कोई काम करना चाह रहे हैं और मैं आपके पैर खींच रहा हूं, इसका मतलब मैं मना कर रहा हूं, आपको अनिच्छा जता रहा हूं कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। तो ड्रैग वंस फीट का मतलब ये होता है कि जब आप रिलक्टेंसी दिखाते हैं कि आप ये काम नहीं करना चाहते, है ना, तो मना करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट। क्या बोलते हैं? ड्रैग वंस फीट। क्या बोलेंगे? ड्रैग वंस फीट। तो 1 नंबर तो गलत है भाई, मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक्सपीडिएट भी नहीं हो सकता, शीघ्रता दिखाना। स्टॉप वर्किंग भी नहीं होता, ये बनेगा बी रिलक्टेंट टू एक्ट। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होना। जब आप किसी अनविलिंग टू डू समथिंग, जब हम किसी काम को करना नहीं चाहते तो वो रिलक्टेंसी ही है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट दे रखा है वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। ड्रॉ द लाइन, देखो ये बहुत ही बढ़िया, आपकी जिंदगी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द लाइन क्या होता है? हमें हर चीज की लिमिट सेट करनी चाहिए लाइफ में। ड्रॉ अ लाइन का मतलब ये होता है कि हमें लाइफ में चीजों की क्या करनी चाहिए, लिमिट सेट करनी चाहिए, हमें फिक्स कर देना चाहिए चीजों को, है ना। तो उसे बोलते हैं ड्रॉ द लाइन। क्या बोलते हैं? ड्रॉ द लाइन। क्या बोलते हैं? ड्रॉ द लाइन। समझ में आई बात? तो ड्रॉ द लाइन का मतलब हुआ फिक्स अ लिमिट। जैसे खाने की लिमिट होनी चाहिए। अब देखो लिमिट कितनी जरूरी है जिंदगी में। हम क्या करते हैं, लिमिट नहीं रखते, हम भावना में बह जाते हैं। जैसे मैं दिखाऊँ आपको भावना में लोग कैसे बहते हैं। मेरा एक दोस्त था, दिल्ली में हम साथ पढ़ाई करते थे। अब दिल्ली में जब हम साथ पढ़ाई करते थे तो वो सिगरेट बहुत पीता था। देखिए मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ऐसे एग्जांपल जिसको आप सुनना चाहते हैं और जैसे हम लोग हैं, दुनिया में सब लोग होते हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता फालतू। तो वो आदमी सिगरेट बहुत पीता था, तो मैंने उसको एक बार कहा कि भाई आप सिगरेट पीते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ी कम पिया करो। उसने बोला आज से तेरा भाई सिगरेट छोड़ता है और मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीऊँगा। उसने मुझे ऐसा बोला। तो जब वो मुझे ऐसा बोल रहा था तो मैं जानता था ऐसा हो नहीं पाएगा। तो मैंने उसे प्यार से समझाया, मैंने कहा देख तू भावना में मत बह, ऐसा मत बोल। कहता नहीं मैंने कसम खा ली आज के बाद मैं पीता ही नहीं। तो मैंने उसको कहा देख कसम खा ले चाहे कुछ भी खा ले, है ना, ये नहीं हो सकता कि तू आज पी रहा है मेरे सामने और अभी बोल रहा है अब शाम से नहीं पीऊँगा। तो ऐसा उसने किया, कोई बात नहीं मैंने कहा चलो करते रहो। थोड़ी देर में क्या हुआ, 2 घंटे हो गए उसको सिगरेट नहीं उसने पी। तो फिर उसने क्या कहा, मेरे को बोला कि उसने कि भाई 2 घंटे हो गए तेरे भाई ने सिगरेट नहीं भी, आज देख ले तू, है ना। उसी के बाद 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। उसके बाद वो बार बार मुझे आगे बोला देख ले 4 घंटे हो गए सिगरेट नहीं पी। मैंने उसको बोला कि देख तू मुझे एक बात बता, अगर तुझे सिगरेट पीनी ही नहीं है तो तू मेरे सामने बार बार इस बात को शो क्यों कर रहा है। और थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा वो मेरे पास आया और वो मेरे को बोलता है यार भाई मेरे से ना नहीं रह रहा, मैं सिगरेट पीऊँगा। तो हम जीवन में गलती ये करते हैं कि हम अपने आप से बड़े बड़े वादे करते हैं। बड़े बड़े वादे निभाना बड़ा मुश्किल होता है। वादे हमेशा छोटे छोटे करो। जब आप लाइफ में चेंज करना चाहते हो ना तो छोटे छोटे वादे करो, स्टेप धीरे धीरे लो। धीरे धीरे जो स्टेप लेंगे ना वो परमानेंट स्टेप होते हैं। हमारे टीचर कहते थे कि स्लो प्रोग्रेस इज द रियल प्रोग्रेस। जो आदमी धीरे सीखता है वो हमेशा लंबे समय तक समय के लिए सीख जाता है, और जो जल्दबाजी करता है ना वो उतनी जल्दी भूलता भी है। तो आदमी को छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए जीवन में, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इसी के साथ 146 पर चलते हैं। 146 पर लिखा हुआ है सुनील्स डॉग इन मैंगर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर। अब देखो ये अलग अलग तरीके से आती है। कई बार डॉग इन, देखो सही इडियम तो ये डॉग इन मैंगर ही है, पर कई बार इसको ऐसा भी पूछा गया है, डॉग इन मैनर भी पूछा गया है। अब डॉग इन मैनर का बेसिकली मतलब तो ये होता है कि एक ऐसा आदमी जो दूसरों के मजे को खराब कर देता है वो डॉग इन मैनर होता है। या आप ऐसा कह लो कि एक ऐसा आदमी जो सेल्फिश होता है वो कैसा होता है, डॉग इन मैनर होता है। क्या होता है? डॉग इन मैनर होता है। समझ में आई बात? तो सही जवाब क्या बनेगा? सेल्फिश। डॉग इन मैनर का मतलब हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं उसे क्या बोला जाएगा? डॉग इन मैनर। क्या बोला जाएगा? डॉग इन मैनर। क्लियर हुई बात? अरे बोलो हाँ। आगे चलो, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने द प्रपोजल्स वर हैंगिंग लाइक डेमेकल्स स्वॉर्ड। डेमेकल स्वॉर्ड क्या होता है? देखो स्वॉर्ड तो तलवार होती है, डेमेकल स्वॉर्ड का मतलब होता है लटकती तलवार, लटकता खंजर। तो ये क्या मतलब है? अपने बोलते हैं ना कि ये आदमी तो कांटे की धार पर है। कांटे की धार पर होने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर लगातार एक खतरा मंडरा रहा है और वो कभी भी क्या है, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेन है सिचुएशन, एक डेंजर ऐसा है जो बिल्कुल अनसर्टेन है और इम्पेंडिंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसे बोलते हैं डेमेकल स्वॉर्ड। क्या बोलते हैं? डेमेकल स्वॉर्ड। क्या बोलते हैं? डेमेकल स्वॉर्ड। समझ में आई बात? तो सही जवाब क्या बनेगा? 1 नंबर तो नहीं बनेगा। टू इमीडिएटली वर्क वेरी हार्ड, टू बिकम टू एक्साइटेड, ये भी नहीं बनेगा। ये 3 नंबर लग रहा है एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर। एक ऐसा अनिश्चित डेंजर जो इम्पेंडिंग है यानी जो होने ही वाला है, लटक रही है तलवार, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला। अब डोंकीज ईयर्स का क्या मतलब है? डोंकीज ईयर्स का मतलब बहुत लंबा समय। तो डोंकी कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है ना, तो धीरे धीरे चलता है तो उसे क्या बोलते हैं? डोंकीज ईयर्स। क्या बोलते हैं? डोंकीज। इन पेंडिंग का मतलब है बेटे जो चीज अभी पेंडिंग है, जिस पे भी काम होना बाकी है, ठीक है। डोंकीज ईयर्स का मतलब होता है बहुत ही लंबा समय। क्या होता है? बहुत ही लंबा समय। बहुत ही लंबा समय उसे क्या बोला जाता है? डोंकीज ईयर्स। क्या बोला जाता है? डोंकीज ईयर्स। क्लियर हुई बात? तो यहां पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए लॉन्ग टाइम। क्या बोलेंगे? ए लॉन्ग टाइम। समझ में आई बात? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही टर्न्ड ए डीफ, या इसको बोलते हैं डेफ, डेफ ईयर टू हिज पेरेंट्स एडवाइस। डेफ ईयर का क्या मतलब होता है? जब आपने किसी की बात को अनसुना कर दिया, आप उसकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे, अनसुनी कर दिया, तो उसे बोलते हैं डेफ ईयर। क्या बोलते हैं? डेफ ईयर। आप अपने हिंदी में, अपनी अंग्रेजी थोड़ी अलग है तो अपने ऐसे डीफ ईयर बोल देते हैं इसको। डेफ ईयर क्या बोलते हैं इसको? डेफ ईयर। चीज़ों में बहुत बार अपने क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, समझते नहीं है। देखो बोलनी अंग्रेजी आए तभी मजा है। जैसे देखो ये क्या शब्द लिखा है, तो ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं ग्रामर। देखो ऐसा नहीं बोलते। ये आर से पहले अगर कभी भी वाउल साउंड होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाउल साउंड होती है, तो इसे आर नहीं, इसे अ बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे ग्रामर। क्या बोलेंगे? ग्रामर। ग्रामर, ठीक है। तो बोलोगे तभी लैंग्वेज को देखो सही कर पाओगे। समझ में आई बात? तो डेफ ईयर का मतलब किसी की बात को सुनना नहीं, तो उसे क्या बोला जाता है? डेफ ईयर बोला जाता है। तो 149 का सही जवाब कौन सा बना? ये बना रिफ्यूज टू हैव वे, किसी बात को मानने से इनकार करना, ठीक है। आगे चले, आगे देखो ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, कि उसने मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट पर रिकमेंड कर कर एक गुड टर्न किया। गुड टर्न किया इसका मतलब उसने कैसा काम किया? उसने एक तरह से मेरे लिए काइंडनेस का काम किया है ना। ऐसे ही तो काम किया कि भाई मेरे को उसने क्या किया, मेरे लिए अच्छा किया, काइंड हार्टेड बनकर दिखाया उसने, ठीक है। तो उसे बोलेंगे क्या? एक गुड टर्न। एक गुड टर्न का मतलब होता है डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, जब आप कोई काइंडनेस से भरा हुआ एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है गुड टर्न। क्या बोला जाता है? गुड टर्न। बिल्कुल बने रहना लास्ट में। आज जाते समय तुमको एक बढ़िया सा ग्रामेटिकल रूल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। 150 तक पहुंच चुके हैं, 10 एडियम हो रहा है, उसके बाद हम एक ग्रामेटिकल रूल को भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैविंग वॉकड 20 माइल्स, 20 किलोमीटर चलने के बाद आई एम फीलिंग क्वाइट डन अप। डन अप का क्या मतलब? आप सोच के देखो, जब आप 20 किलोमीटर पैदल चले हो तो 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद क्या हालात हो जाएंगी आपकी? आप एनर्जेटिक तो बिल्कुल नहीं रहोगे, आप रिलैक्स भी नहीं हो जाओगे, आप फ्रेश भी नहीं रहोगे, आप तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, है ना। एग्जॉस्ट हो जाना। अब देखो ये शब्द कितना बढ़िया है। अब मैं दिखाऊँ, हमारे सब लोगों के घर में किचन में जहाँ पर हम एक फैन लगाते हैं, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट फैन। पर मैं आपको बता दूँ, हम में से सभी लोग, ज़्यादातर लोग हैं ना, उसे एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, उसे एडजस्ट फैन बोलते हैं। एडजस्ट फैन, मेरी मम्मी बोलती है ये एडजस्ट फैन नहीं चल रहा है ना। तो एडजस्ट फैन नहीं है, वो एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट का मतलब जो थका दे, जो बाहर निकाल दे चीज़ों को, उसे बोलते हैं एग्जॉस्ट। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट। एडजस्ट फैन नहीं होता वो, क्या होता है? एग्जॉस्ट। कुछ लोगों को गलत अंग्रेजी बोलते हैं, तो ऐसा घबराना नहीं चाहिए गलत अंग्रेजी बोलने में, पर सीखते रहना चाहिए चीज़ों को। जैसे मेरे पापा को सीखने का बड़ा शौक है चीज़ों को, वो नहीं बोलते हैं, वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें नहीं भी आए, पर वो सीख जाते हैं, है ना। तो जो सीखना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, जो सीखना ही नहीं चाहता उसकी तो भगवान शिव भी मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए भाई, 152 पर चलते हैं। मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब क्या होता है? जब हम बड़े बड़े लोगों के नाम लेने लग जाते हैं, हम ये दिखाने लग जाते हैं कि हमारे बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस हैं, है ना। तो हाँ, मम्मी भी मम्मी तो मम्मी है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब यही होता है कि जब हम बड़े बड़े कनेक्शंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे इतने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, हम इतने लोगों को जानते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ड्रॉपिंग नेम्स। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा हिंटिंग एट हाई कनेक्शन। ऐसा हिंट देना लोगों को कि मेरे कनेक्शंस बड़े मजबूत हैं, ठीक है। अब देखो कुछ लोग इसका 1 नंबर लगा देंगे। 1 नंबर नहीं लगाना बेटा, ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर इसका आंसर नहीं बनेगा। 1 नंबर का मतलब है जब अपने फैमिली मेंबर्स का नाम अपने गर्व से लेते हैं, नहीं। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब है जब हम अपने कनेक्शंस दिखाते हैं कि देखो मेरी कितनी चलती है, मैं कितने बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, तो उसे बोला जाता है ड्रॉपिंग नेम्स, ठीक है। 153 पर चलते हैं। द मैनेजर डॉक्टर्ड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब मैनेजर ने क्या किया, डॉक्टर द अकाउंट किया कंपनी का। अब आप सोच के खुद ही समझ रहे हो कि उसने, मैनेजर ने क्या किया होगा, घपलेबाजी करी है उसने मैनिपुलेट किया है अकाउंट को, है ना, बेवकूफ बनाने की कोशिश की अकाउंट के माध्यम से। तो उसे क्या बोला जाता है, डॉक्टर द अकाउंट्स। क्या बोला जाता है, डॉक्टर द अकाउंट्स। क्या बोला जाता है, डॉक्टर द अकाउंट। डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब यही होता है कि जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अकाउंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब बनेगा। तो मैनिपुलेट द अकाउंट्स, मैनिपुलेट का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना एक तरह से, है ना, तो उसे बोलते हैं मैनिपुलेटिंग करना। देखो कितना अच्छा शब्द है, मैनिपुलेट करना। आगे चलो 154 पे लिखा हुआ है, द केनियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, डार्क हॉर्स का मतलब देखो आप सोचो, कई बार अपने सोचते हैं ना कि ये आदमी तो क्या है, ये तो फर्जी सा आदमी है, इसको कुछ नहीं आता और ये क्या एग्जाम को पास करेगा। हमारे दिमाग में कई बार इस तरह की बातें होती हैं, है ना, पर जब रिजल्ट आता तो हमें पता लगता है अरे यही आदमी तो था जिसकी नौकरी लग गई। फिर हम सोचते हैं अरे इसकी नौकरी कैसे लग गई, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स। एक ऐसा विजेता जिसको सब हारा हुआ खिलाड़ी मान रहे थे, ऐसा मान रहे थे कि ये हार जाएगा। बिल्कुल अनुप्रिया जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, छुपे रुस्तम होना, है ना, छुपा रुस्तम। जो अनएक्सपेक्टेड विनर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डार्क हॉर्स। देखिए जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो कभी भी अपनी मेहनत का दिखावा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं कि 2 घंटे पढ़ लिए या 4 घंटे पढ़ लिए तो हम ढिंढोरा पेट देते हैं हर जगह कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई की। तो जो लोग अपनी पढ़ाई क्या करते हैं, मतलब करते हैं पढ़ाई, वो कभी भी दिखाते नहीं है किसी को। आपने देखो जैसे मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, मैं हमेशा से टॉपर रहा, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सच है। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं बेसिकली कहता था, जैसे मेरे फ्रेंड जो होते थे मैं उनको बताता नहीं था कि मैं कितनी देर पढ़ता हूँ, बल्कि मैं उनको झूठ बोलता था कि आज तो मैंने पढ़ाई नहीं की। और वो मैं इसलिए बोलता था कि कहीं पर वो मुझसे ज़्यादा ना पढ़ लें, है ना। तो पढ़ने वाला बच्चा हमेशा कंपटीशन मोड में रहता है, वो बताता नहीं है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि किस में क्या प्रॉब्लम चल रही है तो चलने दो भाई, हमको क्या है, उसकी प्रॉब्लम सुनो, मज़े लो, उसको गुमराह करो, पर खुद मेहनत पे ध्यान दो। अब हमारे लड़के तो बेचारे इतने शरीफ हैं कैसे कि एग्जामिनेशन देने जाएंगे और कोई देवी जी पेन मांग ले, तो खुद के पास एक ही पेन है तो खुद पेपर देने से रह जाएंगे, पर उस देवी की मदद जरूर करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं बनना है, एग्जामिनेशन में पेन नहीं है उस देवी के पास तो बहुत बढ़िया बात है, उसको बोल तुम मर यहाँ पर, नहीं है तो पेन, बढ़िया, चलो एक से तो कंपटीशन कम हुआ कम से कम, है ना। तो आदमी को सेल्फिश बन जाना चाहिए, जब आप मेहनत करते हो तो सेल्फिश हो जाना चाहिए, तो उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है, व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड बॉट अ फेक प्रोडक्ट, उसने एक फेक प्रोडक्ट खरीद लिया है। शी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन, ड्रेन होता नाला, गो डाउन द ड्रेन, तो उसका मनी क्या हो गया, पूरी तरह से वेस्ट हो गया, यही तो होता है उसका। इसका मतलब कि जब आपने क्या किया कि कोई आपको पता लगा कि आपने गलत चीज़ खरीद ली तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आपने सारा पैसा वेस्ट कर दिया अपना, तो वॉज लॉस्ट फॉर एवर, है ना। अब कुछ लोग क्या होंगे, ये लगा देंगे गोट वॉस्ट अवे, है ना, नहीं लगा देना भाई, ध्यान से देख लेना, डी भी नहीं होगा। हर मनी वो सेफ नहीं, हर मनी वॉज वेस्टेड, है ना, गॉन, हमेशा के लिए चली गई है वो, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, गो डाउन द ड्रेन। समझ में आई बात। 156 देखो, एवरी इंच, देखो ये फ्रेज तो इतनी है, एवरी इंच, वैसे ही कई बार ऐसे भी इस्तेमाल हो जाती है, एवरी इंच अ जेंटलमैन। और बोलते हैं ना इस आदमी का एवरी इंच ए जेंटलमैन आदमी है ये, मतलब ये कंप्लीट आदमी है, अपने आप पे एंटायर है, पूरी तरह से कंप्लीट ये आदमी है, उसे बोला जाता है एवरी इंच अ जेंटलमैन। क्या बोलते हैं, एवरी इंच अ जेंटलमैन, ठीक है। सही जवाब बनेगा एंटायरली, क्या बनेगा भाई, एंटायरली इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है। आगे चलो 157, he stopped at the bar to wet his whistle, है ना, wet his whistle। अब देखा होगा आपने शराब पीने के बाद लोग सीटी बजाते हैं, कई लोग बदतमीज लोग होते हैं ना, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटे, ठीक है। he stopped at the bar to wet his whistle, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बार के पास आकर रुका है तो इसका मतलब वेट हिज विसल का मतलब यही हुआ ना कि वो शराब पीना चाहता है, तो वेट हिज विसल का यही मतलब होता है, टू हैव अ ड्रिंक। क्या मतलब होता है, टू हैव अ ड्रिंक, उसे बोला जाता है वेट हिज विसल। क्या बोला जाता है, वेट हिज विसल। क्या बोलेंगे, वेट हिज विसल, यानी हैव अ ड्रिंक। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट दे रखा है नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स जनरली एंड अप इन स्मोक व्हेन टीम मेंबर्स सिट टुगेदर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, अगर आप सही चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें हमेशा ही क्या हो जाती हैं, उनका कोई असर नहीं होता, एंड अप स्मोक हो जाती हैं। एंड अप स्मोक का मतलब क्या होता है, वो यूजलेस रहती हैं, उनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता, है ना। तो उनका जब कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता जिन चीज़ों का, तो वो क्या हो जाती हैं, हवा हो जाती है। अपने बोलते तेरी बातें तो हवा हो गई, यानी तेरी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं रहा, ठीक है। तो उसका सही जवाब होगा कौन सा, बिकम यूजलेस। फाइनली क्या बनेगा, ठीक है। आगे चलें, चलो भाई नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है द मेडागास्कर कोप कू अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को। ये भी देखो सेम इडियम है, एंडेड इन अ फियास्को। क्या लिखा हुआ है, एंडेड इन अ फियास्को। एंड इन फियास्को का मतलब क्या है, एंड इन फियास्को का मतलब यही होता है कि जब आप कंप्लीट फेल हो जाते हैं, अटर फेलियर जब आपके पास आ जाता है तो उसे बोला जाता है एंड इन फियास्को। क्या बोला जाता है, एंड इन फियास्को। यानी 159 का सही जवाब जो आपके सामने तैयार होगा वो कौन सा बनेगा, भाई ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और आज का लास्ट एडियम, फिर ग्रामेटिकल रूल की तरफ चलेंगे। हाँ पायल, थर्ड क्या हो गया इसमें, स्पॉइल गुड अंडरस्टैंडिंग। नहीं बेटे ये नहीं बनेगा, उसका मतलब था अच्छी अंडरस्टैंडिंग को खत्म करना, ये ऐसे मत देखा करो। आगे चलो, फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड क्या होता है, डरपोक आदमी होता है फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड का क्या मतलब है, जो आदमी बहुत ही डरपोक है उसे क्या बोलेंगे भाई, फेंट हार्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेंट हार्टेड बोलेंगे। तो फेंट हार्टेड का मतलब होता है डरपोक, यानी टिमिड। करेजियस तो नहीं हो सकता, ये तो बहादुर होता है। लवेबल आप जानते हो, काम आप जानते हो। तो ये तो कहानी हो गई आपके आज की ईडियम्स की। आज हमने ईडियम्स पढ़ी हैं, कहाँ तक, टोटल 160 तक पढ़ चुके हैं। एक क्लास अभी हम ईडियम की ओर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। कल हम एक बार ईडियम को और देखेंगे। अभी हम एक ग्रामेटिकल सेक्शन, एक रूल की तरफ बातचीत कर लेते हैं, छोटा सा टाइम लगाकर। चलो देखिए इंग्लिश में ना एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते हैं। अब ये क्या होते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस का मतलब होता है ऐसे एक्सप्रेशन जिनको आमतौर पर एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, पर हम फिर भी जब उनको इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोला जाता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। जिनको एक आमतौर पर एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था पर हम करते हैं, या फिर हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कई बार आपने देखा होगा हम अक्सर ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग आंटी। अब आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि आंटी नाम का कोई शब्द होता ही नहीं इंग्लिश में। जैसे फादर का अपोजिट क्या होता है, मदर होता है, उसी तरीके से अंकल का अपोजिट होता है आंट। क्या होता है, आंट। तो सही जवाब तो ये होना चाहिए गुड मॉर्निंग आंट। क्या होना चाहिए, गुड मॉर्निंग आंट। पर हमको मजा ही किस में आ रहा है, हमको तो आंटी बोलने में मजा आ रहा है। और अगर अब तुम किसी आंटी को जाकर बोल भी दो गुड मॉर्निंग आंट, तो वो क्या कह देगी, अरे बदतमीज आदमी है ये, है ना, इसको बात करने की तमीज नहीं है, आंटी बोला जाता है ना। तो ऐसे नहीं, याद रखिएगा भाई आंटी नहीं क्या होता है, आंट होता है ना। उसी तरीके से कई बार हम ऐसे भी बात कर लेते हैं, किसी घर पे जाते हैं, हमने बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हम कई बार इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अरे जिसमें तुम पानी पीते हो वो ग्लास थोड़ी ना होता है, ग्लास का मतलब तो शीशा होता है, ग्लास का मतलब तो क्या होता है, शीशा। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर का तो ये मतलब हो गया कि मुझे शीशे का पानी पिलाओ, नहीं। तो जिसमें आप पानी पीते हो ना उसे ग्लास नहीं, उसे इंग्लिश में बोला जाता है टम्बलर। क्या बोला जाता है, टम्बलर। तो गिव मी अ टम्बलर ऑफ वाटर। पर क्या करें, देखो भाई किसी के सामने अगर हम बोलें गिव मी अ टम्बलर ऑफ वाटर तो शायद हमारी बात नहीं समझेगा। तो बोलने में तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर बिल्कुल ठीक है, पर लिखते समय हम ग्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, टम्बलर का ही इस्तेमाल करेंगे अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, कई बार हम बात कर लेते हैं, कई बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं गो टू हेल। गो टू हेल, नरक में जा या बाहर में चला जा। अब मान लो कोई सामने से पूछ ले कि कहाँ से जाऊं बता, रास्ता बता मुझे, तो गो टू हेल बोलने में तो बिल्कुल सही है पर लिखते समय गलत है। क्यों? क्योंकि गो टू हेल का कोई सेंस नहीं है। बेसिकली हम उस वक्त क्या बोलना चाह रहे हैं, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि मेरी नजरों से दूर हो जा। तो गो टू हेल की जगह हमें बोलना चाहिए गेट आउट ऑफ माई साइट। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कजन शब्द जो है, कजन, हम इस कजन शब्द के साथ ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कज़न के साथ या तो हम ब्रदर का इस्तेमाल कर लेते हैं या सिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद सोच कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि कज़न का मतलब होता है चचेरा, और ब्रदर और सिस्टर कैसे होते हैं? रियल होते हैं। कैसे होते हैं? रियल होते हैं। तो जब कज़न का इस्तेमाल करोगे तो उनके साथ कभी ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल करोगे तो उनके साथ कभी कज़न का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर कभी भी सही नहीं होता। हमेशा याद रखा, कज़न के साथ कभी ब्रदर या सिस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से कई बार हम बोल देते हैं ऐसा, मैंने रफ एस्टीमेशन लगाया है, रफ एस्टीमेशन। अब आप खुद सोच के देखो एस्टीमेशन का क्या मतलब होता है। एस्टीमेशन का मतलब आकलन करना होता है ना, और आकलन जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो वो रफ ही होता है। तो एस्टीमेशन के साथ अगर आप रफ शब्द का इस्तेमाल करते हो तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो एस्टीमेशन का मतलब ही रफ होता है, तो कभी भी एस्टीमेशन के साथ रफ जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कई बार हम ऐसा बोल देते हैं एडवांस नोटिस आया है, एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। अरे बेटा, नोटिस का मतलब ही क्या होता है? नोटिस का यही तो मतलब होता है, जो चीज़ एडवांस में दी जाती है उसे ही तो क्या बोलते हैं? नोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटिस बोलते हैं। तो कभी भी नोटिस के साथ एडवांस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नोटिस के साथ कभी भी एडवांस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, उसी तरीके से एक बार क्या हुआ, मैं बात कर रहा था तो मैं अपनी दीदी के घर पे गया, तो दीदी ने मेरे को ऐसा बोला, आज तो भैया आपने मुझे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दे दिया। क्या बोला? अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दे दिया। अरे भाई, आप मुझे बताओ, क्या कोई आदमी किसी को सरप्राइज देता है तो वो बता के देता है क्या? सरप्राइज का मतलब ही क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, यानी जो चीज़ बताकर ना की जाए वही तो सरप्राइज होती है। तो सरप्राइज के साथ अनएक्सपेक्टेड जैसे शब्द का इस्तेमाल करने का कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। समझ में आई बात? तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मत बोलें। अच्छा, कई बार हम ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार लिखा था देयर इज अ सडन एक्सप्लोजन इन कराची। सडन के, एक्सप्लोजन के साथ सडन वर्ड का इस्तेमाल लगाते हैं। एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है? बम फूटना होता है एक्सप्लोजन, है ना। और बम जब फूटता है तो वो सडन ही फूटता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले मिस कॉल देकर जाता है कि आओ मैं बम फूटने वाला है, भाई जल्दी से आप अपने अपने ग्राहकों को इस्तेमाल हटा लो यहाँ से। तो एक्सप्लोजन भाई हमेशा सडन ही होते हैं, तो कभी भी एक्सप्लोजन के साथ सडन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। अच्छा, उसी तरीके से क्या होता है? उसी तरीके से देखो सेम आइडेंटिकल। अच्छा, क्या हुआ, कुछ काफ़ी दिनों पहले की बात है ना, एक आंटी, देखो मैंने भी क्या बोला आंटी, क्योंकि बेसिक आदत हमारी आंटी बोलने की है। तो एक देवी हमारे घर पर आई और हमारी मम्मी बोलने लगी कि बहन जी आपको पता है साथ वाले घर में सेम जुड़वा पैदा हुए हैं। क्या कह रही थी? सेम जुड़वा। अरे भाई, अगर वो जुड़वा है तो वो सेम ही हुए ना। तो अगर कोई चीज आइडेंटिकल है तो इसका मतलब वो सेम है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? जिसकी मिरर इमेज बनती है। भाई जैसे अगर आप मिरर में अपने आप को देखोगे तो आपका राइट हैंड क्या दिखाई देता है? लेफ्ट दिखाई देता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल। तो जो चीज़ आइडेंटिकल होगी वो तो सेम, ऑब्वियस सी बात है, होगी ही होगी। तो कभी भी आइडेंटिकल के साथ सेम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी आइडेंटिकल के साथ सेम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आई बात? अच्छा, उसी तरीके से कई बार मैंने ये शब्द देखा है पोस्टपोन अनटिल लेटर, पोस्टपोन अनटिल लेटर। तो देखो, जब अगर आपने किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया, किसी चीज़ को क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, तो इसका मतलब आप उस काम को क्या करोगे? बाद में ही तो करोगे। तो पोस्टपोन के साथ अनटिल लेटर लगाने का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो पोस्टपोन के साथ कभी भी अनटिल लेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कई बार कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ऐसे यूजुअल ट्रेंड है ना। एक बच्चा क्लास में वो तो नए तरीके के कपड़े पहन के आया, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा अरे भाई ये क्या पहना बेटा, ये कोई ट्रेंड है? तो उसने बोला ये सर आपको पता नहीं, ये तो यूजुअल ट्रेंड है। क्या लिखा बोला उसने, ये तो यूजुअल ट्रेंड है। अरे भाई ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब जो चीज़ इस वक्त चल रही है मार्केट में वो ट्रेंड है, जो मार्केट में इस वक्त चल रहा है वो ट्रेंड है, और जो चीज़ ट्रेंड में है इसका मतलब वो यूजुअल है। यूजुअल का भी तो यही मतलब होता है कि जो चीज़ इस वक्त चल रही है वही क्या होती है, यूजुअल होती है। तो यूजुअल के साथ ट्रेंड नहीं आएगा या ट्रेंड के साथ कभी भी यूजुअल नहीं आएगा, दोनों में से एक ही शब्द का इस्तेमाल करो। तो इससे आपको एक आइडिया पता लग गया कि बहुत बार एग्जामिनेशन में जो एरर आते हैं, जैसे कई बार आपने ऐसे भी बात करते हैं, सम टोटल बताओ मुझे कितना हो गया, सम टोटल। अरे भाई सम का मतलब ही जोड़ना होता है और टोटल का मतलब भी जोड़ना होता है, और सम और टोटल जब दोनों का शब्दों का मतलब एक जैसा है तो दोनों को एक साथ मत लिखो, या तो सिर्फ सम लिखो या सिर्फ टोटल लिखो, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल सही अप्रोच पर चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को सीखें। मैं वोकैब पे फोकस से लेकर रहा हूँ कि वहाँ से आप जल्दी मार्क्स गेन कर सकते हो, और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को मैं थोड़ा धीरे इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ग्रामेटिकल एस्पेक्ट जो है उस पर बहुत तेज़ी से कमांड नहीं बन पाती है हमारी, ठीक है ना। तो फिर भी मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की क्या है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो एरर्स में थोड़ी हेल्प मिलती है आपको, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ध्यान हो जाते हैं। अब इससे दिमाग में सेटअप बैठ गया, और वो सेटअप क्या बैठा कि कभी भी हमें कोई भी जब सेंटेंस पढ़ना है, एरर जब पढ़ना है, तो हमें उस वक्त ये बात का ध्यान रखना है कि जिनके मीनिंग सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। उनको उनमें से एक ही शब्द का एक बार में इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूँ भाई आज की क्लास बहुत बढ़िया रही होगी। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कैसी थी आज की क्लास, जल्दी से बता दो, और खूब शेयर करो अगर क्लास अच्छी लग रही है। नहीं अच्छी लग रही है तो भी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छी लगे तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। कैसी थी क्लास जल्दी से मुझे आप एक बार बता दीजिए, बस बढ़िया लग रही है, ठीक है मुझे तो। चलिए भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार बस मिलता रहे, बना रहे, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें। आज के लिए इतना बहुत रहेगा प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय। हर हर महादेव।